हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम 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 टू दिस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री 101। आवाज आ हेलो रहा है? बच्चे पार्टी। यस, आवाज आ रहा है। ओके, आवाज आ रहा है। चलो तो बेसिकली आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अल्केन्स हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट कर दिया अल्केन्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसे इनकम्प्लीट छोड़ा है। आज हम लोग व्हाट इज अ मोल, है ना, हम लोग बेसिकली, मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि बेसिकली जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है पूरे के पूरे केमिस्ट्री के, चाहे वो 11th के हो, 12th के हो, है ना, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन पर ही वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। राइट, 1 मोल जैसे है, जैसे मोल क्या है, फिर मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, है ना, जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं ये सारे, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ना। तो ऐसे जो छोटे 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 जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनके ऊपर वीडियोस में बनाने वाला हूँ, यहाँ पर उनके ऊपर लाइव यहाँ पे आकर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और रही बात जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, वो उड़ान बैच में लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल पर हो ही जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली मैं वहां पर आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज। क्वेश्चंस भी भरपूर सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। यस, गुड इवनिंग वैष्णवी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रबुद्धा, गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग शिवानी। यस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मेरा प्लान क्या है। और साथ ही में 6 बजे शाम, ठीक है, आज ही 6 बजे एक और नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है एनसीईआरटी डिकोडर, ठीक है। एनसीईआरटी डिकोडर, जिसमें कि एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन, राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हेलो तृप्ति, वेलकम बच्चे, हेलो, हाय हाय, ठीक है। तो एनसीईआरटी डिकोडर सीरीज ऑन लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल आज 6 बजे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हर एक चैप्टर, ऐसा नहीं है कि वन शॉट में पूरा का पूरा ऐसे दौड़ाते हुए करा दूंगा, नहीं, एक एक लाइन में को बढ़िया से समझेंगे और बढ़िया से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 पार्ट्स में पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके पूरे के पूरे ऑर्गेनिक के जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, ठीक है। आपके एग्जाम होने के पहले सारे के सारे चैप्टर्स अपन एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा छान लेंगे, ठीक है। ऐसे कोई कोना नहीं छोड़ेंगे जहां से कोई भी ऐसी चीज है जो हमें नहीं आती है, क्लियर है। साथ ही में अपन क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, और आज रात में 10 बजे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के ऊपर मैं आपको काफी सारा नॉलेज देने वाला हूँ जो आपको शायद पहले नहीं था। ऐसे कुछ अमेजिंग ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, और साथ ही में एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये होगा रात में 10 बजे अनअकैडमी के ऐप पर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि माय नेम इज युवराज सिंह एंड आई एम नॉट अ क्रिकेटर। आई हैव परस्यूड माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे यूनिवर्सिटी। आई एम एन ओसीएसएस, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समर स्कूल प्रोग्राम पार्टिसिपेंट 2017 हेल्ड एट IIT बॉम्बे। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 3000 स्टूडेंट्स एंड आई हैव मोर देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस in top offline coaching institutes of India like Akash Institute. I am an ex-Akash Institute faculty, Delhi and Pune, NEET UG branch. ठीक है? Yes, okay. तो आप सभी देख सकते हैं सारे के सारे, ये मेरे मतलब अभी तक जो जो मैंने पढ़ाई किया है, जहां जहां मैंने पढ़ाया है और जितनों को मैंने पढ़ाया है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बम्पर ऑफर है नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन पे। कल भी मैंने आपको इस बारे में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो आज मैं आपको सभी को बता रहा हूं कि ये जो बम्पर ऑफर है नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का, इसका फायदा आप लोग सभी ने लेना है। 3+1 का ऑफर है। 3 महीने का अगर आप नीट यूजी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 महीना उस पर फ्री मिलता है, ठीक है। 1 महीना फ्री, क्लियर है। तो एक आप 3 महीने का अगर पैकेज लेते हैं तो आपको 1 महीना उस पर फ्री मिलता है, यानी कि 31 जुलाई तक आपका जो कंप्लीट चीज है ना, पढ़ाई होने वाली है, एकदम क्रीम लेवल पे होने वाली है, ठीक है। सारे के सारे देखो, अभी भी टाइम है, वापस 1 साल हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है रिपीट करने में, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि 4 महीने बचे हैं, राइट, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो और ये 4 महीने में 3 महीने फुल ऑन पढ़ाई करो और लास्ट के 1 महीने में फुल ऑन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, ठीक है। घर बैठे ही इससे जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी नहीं हो पाई, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने जल्दी से ले लेना है। जो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है उस पर 1+1 का ऑफर है, मतलब कि 31 जुलाई तक आपका सब्सक्रिप्शन कैरी ऑन होने वाला है फ्री में 1 महीना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप देख सकते हो, अगर जो 3 मंथ्स यहाँ पे लिखा है
वहां पर लिखा है 5,833 रुपीज पर मंथ, और आपको इतना सारा ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है ना, मतलब 4 महीने का कोर्स आपको मिल रहा है 3 महीने के पैसे में, राइट, 6,000 रुपए का फायदा है ना, 6,000 रुपए का फायदा, राइट। और फायदा तो ये 6,000 का है, लेकिन बाद में जो सारा फायदा होने वाला है आपको नीट के एग्जाम क्रैक करने के बाद, जो आप डॉक्टर बन जाओगे, वो फायदा तो कहीं नहीं जाएगा। सर आप अभी नीट की उड़ान में सेशन क्यों नहीं ले रहे हो, आपका 2 डेज वेट करता रह गया मैं सर। अरे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एक्चुअली वी हैव डिसाइडेड कि पहले एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले शशांक सर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे ही शशांक सर का वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, शायद 28th, यस, आज क्या है 18th है ना, बस परसों आ रहा हूँ मैं, परसों लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल पर उड़ान बैच में अपना सेशन होने वाला है, ठीक है, परसों, और कंटिन्यूस फिर 8 दिन होगा, कंटिन्यूस रोज, क्लियर है, 28th को नहीं, 20th को, ठीक है, 2020। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप सब्सक्रिप्शन में आपको लेने के लिए कह रहा हूं, इसमें क्या क्या फायदे हैं, देखो लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट और एम्स में सभी पूछे जाने वाले सारे के सारे का यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाला है, ठीक है, देख लो कितना सारा फायदा है, एक तो प्लस वन मिल रहा है, साथ ही में लास्ट 20 ईयर्स के सारे जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाला है, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी सारे के सारे, राइट। उसके बाद में यहाँ पर फाइनल लीप फॉर नीट 2021, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर आप यहाँ पर ये जो 90 डेज का रिवीजन बैच चल रहा है यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये 17th of March से स्टार्ट हो रहा है, और जो रिवीजन बैच है ये 24th of March से हो रहा है, ठीक है, 17th of March तो चली गई, ठीक है, आज 18 है, तो जल्दी से एनरोल कर लो ताकि आप लोग जो प्रैक्टिस करना चाहते हो वो कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। चलो, तो फ्री टेस्ट शेड्यूल भी है यहाँ पर, फ्री टेस्ट होते हैं, रोज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे व्हाट एवर द डेट इट इज, डे इट इज, ठीक है, तो वो होगा ही, ठीक है, तो फ्री है तो आप लोगों ने जरूर जाके एनरोल करना है बच्चे। यस अभिषेक, आई विल बी कमिंग देयर, बिल्कुल बिल्कुल, काइंडली आप उड़ान बैच में ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री करवा दीजिए, एस जी सर का बहुत सारा चीज दिमाग से स्किप हो जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है सर, कोटा के मतलब HOD है, राइट, कोटा में एक इंस्टीट्यूट के HOD है, डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है, तो सर भी बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं, डेफिनेटली अगर ऑर्गेनिक अपना जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आई बी टेकिंग फिजिकल, ठीक है, विल स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम, देन विल कैरी ऑन विद रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑल, जो भी है, वैसे फिजिकल सर लेने वाले हैं तो टेंशन मत लो, अगर ऑर्गेनिक मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाता है डेफिनेटली आई लास्ट कि सर कुछ फिजिकल के चैप्टर्स मैं भी करवा देता हूँ, है ना, तो वो चैप्टर्स फिर मैं करवा दूँगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी कॉम्बैट, अनअकैडमी कॉम्बैट ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है जो कि हर संडे को होता है और फ्री है, यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने का एक मौका मिलता है, राइट, और जो 150 विनर्स हैं बाद के उन्हें एडिशनल डिस्काउंट्स मिलते हैं, राइट, एडिशनल डिस्काउंट्स मिलते हैं, और अगर आप चाहते हैं एनरोल करना तो आपने यूज करना है मेरा ये कोड युवराज96, ठीक है, युवराज96 ये कोड आपने लगाना है तो आपको फ्री में टेस्ट देने मिलेगा, बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, ठीक है, राइट, तो जरूर अप्लाई करना है। तो आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेता हूं, अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है बच्चे तो फटाफट अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद में नीट यूजी सिलेक्ट करना है, देन प्लस पे जाना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे आप चले जाते हो आपको यहां पर आइकॉनिक और प्लस 2 पैकेज सब्सक्रिप्शन दिखेंगे, ठीक है, आई वुड रिकमेंड आइकॉनिक ले लो क्योंकि यहां पे आपको पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर भी मिलता है, सारे के सारे पैकेजेस काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही सस्ते हैं, ठीक है, और भी सस्ता करना चाहते हो तो युवराज96 ये कोड आपने वहां पर लगा देना है तो आपको स्टेट ऑफ 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो, ठीक है। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं हम जो आज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम लोग आज बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ कि आप लोगों के दिमाग में ये अगर व्हाट इज अ मोल, अगर मैं कहूं है ना कि एक मोल क्या, ये तो डेफिनेटली नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है केला, ठीक है, अगर आपको ये देखकर भूख लगी है तो आप बंदर हो, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर आपके आपको मैं कहूं कि भैया मोल मतलब क्या है, ठीक है, मुझे अभी एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि मोल क्या है, व्हाट इज अ मोल, डेफिनेटली थोड़ा सा पार्ट में आपको समझाऊंगा, राइट, 20 to 30 मिनट्स, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्या लगता है आपको कि मोल क्या है, आप लोगों को क्या पता है मोल के बारे में, आपका दोस्त है मोल,
आपके घर के साइड में रहता है मोल, या फिर आपके दोस्त का नाम है मोल। गुड इवनिंग डॉली, गुड डॉली, मैंने आपके कमेंट्स पर रिप्लाई कर दिया है, तो डू चेक दोस्त, ठीक है। अच्छा कैडम कह रहा है एक मोल बनाना मतलब, वेरी गुड वेरी गुड, अमेजिंग। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड मोलर मास ऑफ दैट। अरे मैं बोल रहा हूँ कि भैया साइंटिफिक लैंग्वेज में मत बतो, कुछ अलग सा बताओ भैया। ब्रांच बंच ऑफ बनानास 12, नहीं नहीं एक मोल मतलब 12 बनाना नहीं होते, एक डजन मतलब 12 बनाना होते। क्वांटिटी मेजर करने का इजी तरीका, चलो तृप्ति कह रही है यस, ठीक है कह सकते हैं, कह सकते हैं, वेरी गुड। गुड इवनिंग श्रेया। टू मेजर एनी क्वांटिटी, ओके वर्षा भी सही कह रही है, कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, चलो ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि भैया मैं क्या कहना चाहता था। देखो जैसे कि हम लोग घर में बिल्कुल भी काम नहीं करते, है ना, सच कह रहा हूँ, हम लोग घर में मम्मी का बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। तो जैसे ही मम्मी कहती है कि बेटा एक काम कर, एक डजन केला ले, ठीक है, तो आप कहते हो कि मैं नहीं ला रहा, है ना, मैं नहीं ला रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नीट क्रैक कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे तो नहीं करना है। मुझे अगर मम्मी कहती है कि बेटा एक डजन केला ले, तो मैं क्या करता हूँ, कितने केले लाता हूँ बताओ, 12 केले लेके आता हूँ, ठीक है। मतलब मेरी मम्मी मुझे ये भी बोल सकती थी कि बेटा जाकर 12 केले लेके आ जा, ठीक है, लेकिन उस 12 ये क्वांटिटी को, 12 ये क्वांटिटी को कंप्रेस अगर कर दे हम लोग, ठीक है, छोटा कर दे, कंप्रेस कर दे, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक डजन, ठीक है, वन डजन। तो अगर मेरी मम्मी मुझे कहती है कि बेटा जाकर एक डजन केले लेकर आ जा, है ना, जा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे लल्ला, जाकर एक डजन केले लेकर आ जा, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और एग्जैक्टली 12 केले लेके आऊंगा, ठीक है, आधा नहीं, आधा कटा हुआ केला नहीं लाऊंगा, टोटल 12 केले में लेके आऊंगा, राइट। अब अगर मेरी मम्मी मुझे कहती है कि बेटा जा और एक काम कर, एक काम कर, एक मोल केले लेके आ जा, तो मैं मम्मी को बोलूंगा, मम्मी देखो ऐसा हो नहीं सकता, आप मुझे पागल नहीं बना सकते, एक मोल केले में नहीं लेकर आ सकता, ठीक है, यस, एक मोल केले नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि एक मोल केले का मतलब 6.023 × 10⁻²⁰ भैया, इतना कम केला, इतना सा केला कहां से लाऊं मम्मी, इससे अच्छा केला रहने दो, राइट। यस हाँ डॉली, मैंने आपका जो भी इशू है वो मैंने अपने कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, और कमेंट पे मैंने आपका आंसर कर दिया, ठीक है, तो जाकर वहां चेक कर लो, शायद आपको यही पूछना है ना, चल ओके। तो बेसिकली अब एक मोल क्या है, व्हाट इज वन मोल, तो बेसिक डेफिनेशन जो है मोल की ये क्या आती है, एक मोल का मतलब होता क्या है, बेसिकली इट इज अ क्वांटिटी टू मेजर, ठीक है, इट इज अ क्वांटिटी टू मेजर, मतलब मोल इज जस्ट अ यूनिट फॉर काउंटिंग दी एंटिटीज। सर इतने प्यार से अगर बोला जाए तो बच्चा खुशी खुशी चला जाए, बट रियलिटी है कि एक बार डिनाई करने पर फ्लाइंग चप्पल आती है, ठीक है, फ्लाइंग चप्पल तो आती है, लेकिन आजकल मेरे ऊपर फ्लाइंग चप्पल आना बंद हो गई, मैं बड़ा हो गया ना, हेलो बल्लू वेलकम, मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरे ऊपर अब फ्लाइंग चप्पल नहीं आती, ठीक है, मेरे ऊपर फ्लाइंग गालियां आती है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है मोल, मोल क्या है भैया, मोल इज जस्ट अ क्वांटिटी, राइट, मोल क्या है, इट इज जस्ट अ क्वांटिटी और यूनिट फॉर काउंटिंग, काउंटिंग व्हाट, एंटिटीज, एंटिटीज मतलब क्या बोलो, एंटिटीज मतलब केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आयन्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में काउंट करने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं, उस चीज को, जो चीज बड़ी है मस्त मस्त, उसे हम लोग कहते हैं मोल, ठीक है, बात समझ में आ गई। सर 20th से जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी उसमें आप क्या पढ़ाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे आपसे ही पढ़ना है। अच्छा बच्चे आई विल बी टीचिंग आई थिंक रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, लेट्स क्रैक नीड यू जी चैनल पर।
और उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम लोग, नॉमेनक्लेचर तो हो गया है शायद, उसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे आगे का पार्ट हाइड्रोकार्बन्स। उसमें वापस से मैं आपको एक बार अल्केन्स पढ़ाऊंगा, फिर अल्कीन्स, फिर अल्काइन्स, ऐसे पूरा का पूरा चलेगा, ठीक है? वो भी एक दिन में होगा, अल्केन्स पूरा एक दिन में पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े। ओके, अब तो अगर मुझे कहे मेरी मम्मी कि बेटा जाकर एक डजन लेकर आ जा, क्या बनाना, बनाना की स्पेलिंग सही है क्या? बहुत बहुत साल हो गए नहीं लिखी, ठीक है? चलो एक डजन बनाना लेके आ जा, तो मैं कितने बनाना लेके आऊंगा? 12 बनाना, ठीक है? 12 बनाना, यहाँ पे आपको 4 बनाना भले ही दिख रहे हैं, 12 × 4 मत कर देना, ठीक है? तो 12 बनाना मैं लेके आऊंगा, राइट? क्लियर है, इतना समझ में आया? अब अगर मैं कहूं कि 1 मोल बनानास लेके आना, ठीक है, तो 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल का मतलब होता है बच्चे 6.023 × 10⁻², ठीक है, 6.023 × 10⁻²³ पार्टिकल्स, ठीक है, 6.023 × 10⁻²³ बनानास, ठीक है? इतना सारा बनाना अगर मैं लेके आएगा तो मैं कैसा वापस आएगा भाई? हैं, मम्मी को बोल देना इतना सारा बनाना मैं लेके नहीं आ सकता, खत्म हो जाएगा बनाना, पूरे इंडिया का, पूरे दुनिया का बनाना खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो बनाना को और बनाना पड़ेगा हमको। आप सबसे बेस्ट टीचर हो सर, उड़ान बैच की केमिस्ट्री टीम में आई रियली रिस्पेक्ट यू सो मच, थैंक यू सो मच अभिषेक, दैट आर रियली अमेजिंग वर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है? तो 1 मोल ऑफ बनानास मतलब होता है 6.023 × 10⁻²³ बनानास, क्लियर है? 23, ओके? अब अगर मैं कहूं, देखो बेसिक चीज, ठीक है, बेसिक चीज क्या है, अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ एनीथिंग, यानी एनीथिंग, एब्सोल्यूटली एनीथिंग का मतलब क्या होगा? 6.023 × 10⁻²³ ऑफ एनीथिंग, बोलो, राइट? मतलब मैं कहूं 1 मोल ऑफ एप्पल पेंसिल, तो मतलब क्या, 6.023 × 10⁻²³ एप्पल पेंसिल्स। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ माउस, 1 मोल ऑफ माउस, तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास कितने माउस हैं, 6.023 × 10⁻²³, इतने सारे माउस हैं भैया, मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा, ठीक है, माउस बेचते बेचते, ठीक है? अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है? देखो 1 मोल ऑफ O2 एटम्स की अगर मैं बात करूं, 1 मोल ऑफ O2 एटम्स, ठीक है, ऑक्सीजन, O2 एटम्स एंड ऑक्सीजन लिखेंगे, O2 नहीं लिखेंगे, ठीक है? एटम्स की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लिख देंगे सिर्फ, O2 तो मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ O2 एटम्स, ऑक्सीजन एटम मतलब 6.023 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बोलो, बात समझ में आ गई, राइट? अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ Na सोडियम आयन्स मेरे पास है, तो मेरे पास कितने आयन्स है भैया, मेरे पास में 6.023 × 10⁻²³ आयन्स हैं, यस और नो? बिल्कुल है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास में 1 मोल ऑफ कोरोना वायरस है, तो तुम कहोगे सर ऐसा मत कहो, ठीक है ऐसा मत कहो, तो क्या कहूंगा मैं कह रहा हूं कि 0.23 × 10⁻²³ कोरोना वायरस के मेरे पास में स्ट्रेन्स है, कोरोना वायरस, ठीक है कि नहीं? एमन को बहुत हंसी आ रही है आज, यस, यू आर द बेस्ट केमिस्ट्री, रियली मैं केमिस्ट्री हूं, डॉली ने मुझे केमिस्ट्री बना दिया, मैं इंसान हूं। सर आप इनऑर्गेनिक की क्लास कब लोगे, और क्या आप इनऑर्गेनिक कंप्लीट डिकोडर एनसीईआरटी से ही कराओगे क्या? हाँ हाँ, उसमें ही करेंगे, आप उसमें ही करेंगे, पहले ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है? तो उसी में होगा आप बच्चे क्लास, क्लियर है? चलो आप आगे बढ़ें, बोलो भाई आगे बढ़ें, ठीक है? चलो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ये याद रखना है, ठीक है?
जिसे मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूँ। बेसिकली ऑलरेडी मैंने ये काफी बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपको भी बता देता हूँ क्या कह रहा हूं मैं। इसे मैं क्या कहता हूं, इसे मैं ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र कहता हूं इसे, ठीक है। क्या है ये ब्रह्मास्त्र है? बोलो मेरे प्यारे बच्चे। टीचर मिसिंग हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। देखो अब ब्रह्मास्त्र का मतलब है एक मूल, ठीक है। ये रिलेशन आप कोई भी, ठीक है, कोई भी इजी से न्यूमेरिकल में लगाते हो तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। वन मोल का मतलब ही होता है मोलर मास। वन मोल ऑफ एक्स का मतलब ही होता है मोलर मास ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, इन्हें लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, राइट, इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। अगर आपको एनटीपी पर पूछा जा रहा है, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, या फिर इट इज इक्वल टू 22.7 लीटर्स अगर आपको पूछा जा रहा है एट एसटीपी, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, वेरी गुड श्रेया। नो सर, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो बेस्ट तो नहीं हूं मैं, मुझे भी सब कुछ नहीं आता है, ठीक है, डेफिनेटली मुझे भी सब कुछ नहीं आता है, लेकिन ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई यहां पर। अब एकदम इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे ये चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है मोलर मास, पूछा जाता है मोलर मास, लेकिन अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से। ये क्या तरीके हैं? आपको पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ थ्री थिंग्स। कौन से है वो? पहला तो आपको पूछा जाता है कि भैया जीएएम बताओ, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, राइट, जीएमएम बताओ, जीएमएम। उसके बाद में आपको पूछते हैं कि जीएफएम क्या है, फटाफट बताओ कि जीएएम का फुल फॉर्म क्या है, जीएमएम का फुल फॉर्म क्या है और जीएफएम का फुल फॉर्म क्या है। पता है आप लोग को? जो पुराने बच्चे हैं मेरे उनको शायद याद होगा, मैंने इस बारे में ऑलरेडी बताया। बोलो मोलर मास, अगर मैं बता दूं क्या, एक दिन मैंने पूल में सर को हराया था मैं, अरे वो मैं खेलना बंद कर दिया था बे। ठीक है चलो, यस वेरी गुड, ग्राम एटॉमिक मास, वेरी गुड। तो ग्राम एटॉमिक मास देखो आपने खुद ने बताया, कोई बात नहीं शिवांगी, सो गया था शिवांगी, तुम लड़के हो कि लड़की हो जरा बताना मुझे, ठीक है, मैं आज सो गया था, ये तो लड़का हो गया। समथिंग इज गड़बड़, विषय इज द गंभीर एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इट इज द, है ना, दया, वो कहते हैं ना एसी प्रद्युमन, दया, कुछ तो गड़बड़ है। चल तो आप लोगों ने खुद ने बताया कि ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं हम सर इसको, ठीक है, मतलब मोलर मास इन टर्म्स ऑफ एटम अगर आपको पूछा जा रहा है तो वो आपको ग्राम एटॉमिक मास में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। जीएमएम का मतलब होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई मॉलिक्यूल के बारे में पूछता है, मोलर मास बताइए भैया मॉलिक्यूल का, तो आप लोग जीएमएम में बताओगे, और जीएफएम मतलब होता है ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। ये तीनों चीजें क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि भैया कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया मुझे बताइए कि फलाना ढिमकाना मोल मतलब कितना, फलाना ढिमकाना मोल मतलब कितना, ये इतना से ही पूछा जाता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो घुमा के पूछते हैं। क्या घुमा के पूछते हैं? ऐसा क्या पूछते हैं? देखो एक मोल को हम लोग तीन अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। देखो वन मोल का मतलब तीन अलग अलग नाम, देखो जैसे किसी का नाम जो भी होगा घर पे, किसी का नाम है फलाना, ठीक है, फलाना नाम नहीं है, किसी का नाम होगा भाई फलाना नाम है, ठीक है, तो उसको स्कूल में लोग चंगू कहते हैं, ठीक है, उसके कॉलोनी में उसको मंगू कहते हैं, ठीक है, और उसके दोस्त लोग जो है मतलब एरिया के दोस्त लोग उसको पंगू कहते हैं, तो चंगू मंगू पंगू तीनों उसके नाम हो गए, लेकिन उसका नाम क्या है? फलाना, ठीक
ठीक है। तो अब अगर मैं उसे चंगू कहूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैं फलाना को बुला रहा हूं, ठीक है। तो फलाना ढिमकाना नाम नहीं रखना है, ठीक है। आगे देखो, वन मोल का मतलब ही, वन मोल का दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम क्या है? अगर देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि हमें बताइए कि ये फलाना ढिमकाना आपको दे रखा है, तो मुझे यहां पर ग्राम मॉलिक्यूल बताइए, ग्राम मॉलिक्यूल। तो बच्चे ग्राम मॉलिक्यूल अगर पूछते हैं तो उसका मतलब ही एक मोल होता है, उसका मतलब ही एक मोल होता है। क्या बात समझ में आ रही? वन मोल का मतलब ही होता है वन ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। वन ग्राम, ये क्या लिख रहा है भाई, वन ग्राम मॉलिक्यूल, है ना, ठीक है। ये कब होगा? जब ये इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वन मोल का ही मतलब होता है वन ग्राम एटम, ठीक है, जब बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ एटम की, राइट। और वन ग्राम फॉर्मूला, समझ में आ रहा है, वन ग्राम फॉर्मूला जब बात होती है इन टर्म्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात चल रही होती है, तो वन ग्राम फॉर्मूला ऐसे पूछ सकते हो आपको। मतलब देखो कंफ्यूज नहीं होना, वो पूछ क्या रहे हैं एक्चुअली, एक्चुअली वो आपको एक मोल के बारे में ही पूछ रहे हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज होता है। देखो डेफिनेटली जब मैं पढ़ता था तो डेफिनेटली यही ये चैप्टर में मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था, दिमाग में ही नहीं घुसता था, यानी मैं परेशान हो गया था ये चैप्टर पढ़ पढ़ के, दिमाग में घुसता ही नहीं था, ठीक है। इवन ट्रस्ट मी, मैं आपको सच बता रहा हूं, आज एक बात, जब मैं पढ़ाने लगा था आकाश में, जब मैं पढ़ाता था तो ये चैप्टर जब मैं पढ़ाता था तो डेफिनेटली मुझे डर लगता था, यस मुझे डर लगता था कि यार मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं बच्चों के सामने, राइट। तो मैंने वो डर के कारण इतने अच्छे से और इतने डीपली ये चैप्टर को मैंने पढ़ा है कि अब मुझे सब समझ में आता। तो फाइनली मुझे ये सीख मिली है कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, राइट। तो अगर आपको कोई चीज को बहुत अच्छे से समझना है तो अपने छोटे भाई को पकड़ो, अपने दोस्त को पकड़ो, या फिर किसी को भी पकड़ो, ठीक है। तकिए को पकड़ लो, तकिए को पकड़ो, उसको तकिए को अपने सामने रखो, अपने डॉल होगी आपके पास, बारबी डॉल होगी लड़कियों के पास, है ना, उसके बाद में लड़कों के पास तो नहीं होता ये सब, तो वो उसे पकड़ो और उसे ही समझाओ, ठीक है, उसे समझाओ। डेफिनेटली ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा काम करेगा, ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम करेगा। मैं पर्सनली ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जब मैं पढ़ाया तो मुझे मजा आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है, राइट। लेकिन जब मैं 12th में था, 11th में था, तब तो ये एकदम ऐसे ज़ूम ज़ाय साय साय करके जाता सिर के ऊपर से, बिल्कुल समझ में नहीं आता, मैंने तो स्किप कर दिया था चैप्टर को, ठीक है। इतना कंफ्यूज था, क्वेश्चन पढ़ के समझ में ही नहीं आता था कि भैया ये पूछ क्या रहा है, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान कर रहा है छोटे बच्चे को। खैर तब मैं छोटा था, अभी मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। मेरी एक दोस्त थी, एक लड़की थी, मैंने उसे पढ़ाया, अब वो मुझसे बात नहीं करती। ओ, ऐसा क्या पढ़ा दिया तुमने? ये है, कोई बात नहीं, अब वो उसको पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्या पढ़ाया रहमान ने। वो शायद इसीलिए बात नहीं कर रही क्योंकि उसको सब समझ में आ गया, ऐसा है, समझे, ठीक है, उसको सब समझ में आ गया इसीलिए शायद बात नहीं कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हम लोग इसे एन से डिनोट करते हैं, राइट, और इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। बच्चों देखो आप सभी को बता रहा हूं, 6 बजे, 6 बजे लेट्स क्रैक नीट यूजी पर एनसीईआरटी डिकोडर सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा हम लोग छानने वाले हैं। हेलो प्रदीप कुमार, ठीक है, तो एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा हम लोग छानने वाले, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है उस सेशन को, ठीक है, अभी से बता रहा हूँ 6 बजे। मुझे पता है बाकी भी लेट्स क्रैक नीट यूजी के जो एजुकेटर्स हैं उनके वीडियोस आप लोग देखते हो, इसीलिए मैंने एक ऐसा टाइम चूज किया जहाँ पे कोई और नहीं है, ठीक है, 6 से 7, राइट, रोज 6 से 7, 7:15 या फिर एटमैक्स 7:30 तक, ठीक है। तो आप लोगों ने ज्वाइन करना है, सभी को कह रहा हूँ, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भैया, एनसीईआरटी को केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भैया ये दोनों चीजें जो है एकदम चार्ट जाना है बुक्स को, ठीक है। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलर मास,
ठीक है, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, बोलो समझ में आया? यस, 6 बजे स्टार्ट करूं, 6 बजे शार्प, 6 बजे ठीक है, यहां पर नहीं, लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। देखो भैया मैं तो 6 बजे पढ़ाने वाला हूं, अगर आप आना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो लाइव क्लास में ही आना है। यस 7 बजे तक, या हाँ 7, 7:15 तक, उसके बाद में खत्म कर देंगे, चलो ठीक है। तो समझ में आ गया, अब क्वेश्चंस करते हैं, राइट, अब क्वेश्चंस करते हैं, तैयार हो? तैयार हो बोलो, ठीक है, 5-10 क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है, फटाफट, और आप लोगों को सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताने हैं, ठीक है, और मैं भी सॉल्व करके आपको डेफिनेटली वो बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, राइट, ओके चलो ठीक है। क्या करवाओगे आप उसमें? डॉली को तो बिल्कुल भी ये नहीं है, चैन बिल्कुल सब यही पूछ लेती है मेरे से, वहां आ जाओ बताता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी चप्पा चप्पा हर एक लाइन एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है तो, और एनसीईआरटी अपने साथ में रखना है, ठीक है, एनसीईआरटी अपने साथ में रखना है, और हाइलाइटर्स रखना है, पेन पेंसिल सब कुछ। यस यस तृप्ति, बिल्कुल सही, जो तुमने रिट्रैक्ट कर लिया वो बिल्कुल सही था। चलो क्वेश्चन नंबर वन, इफ वी हैव 2.5 मोल्स ऑफ NH3 इन अ कंटेनर, राइट, मेरे पास एक कंटेनर है और मेरे पास इसमें 2.5 मोल्स ऑफ NH3 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 वी हैव, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वी हैव, चलो बताओ फटाफट कितने मॉलिक्यूल्स थे, वो पूछते ना कितने आदमी थे, तो आपको क्या बताना है, आदमी नहीं बताना है, आपको बताना है कि कितने मॉलिक्यूल्स थे, फटाफट बताओ, यस ओके, यस बिल्कुल, सबसे पहले यहां पे आंसर किसने दिया है, सबसे पहले यहां पर आंसर दिया है रहमान ने, वेरी गुड रहमान, रहमान ने दिया है, उसके बाद में दिया है श्रेया ने, देन प्रदीप, देखते हैं आंसर चेक करेंगे, ठीक है चल आप देखो मैं बताता हूं किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था, राइट, क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास 2.5 मोल्स हैं अमोनिया के, ठीक है 2.5 मोल्स है अमोनिया के, अब ब्रह्मास्त्र को बुलाओ, ब्रह्मास्त्र क्या था, ब्रह्मास्त्र कहाँ है भैया, ब्रह्मास्त्र हमारे सामने आ जाइए, ये रहा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या कहता है कि 1 मोल का मतलब होता है क्या, 1 मोल का ही मतलब होता है क्या, एन ए है ना, 1 मोल का मतलब ही एन ए होता है, मतलब एवोगैड्रो नंबर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र जी ने जो हमें बताया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट, 1 मोल ऑफ NH3 का मतलब क्या हुआ, 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, याद करो मैंने क्या बताया था, 1 मोल ऑफ एनीथिंग मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एनीथिंग, राइट, वही यहां पर हमें अप्लाई करना है, 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, तो एवोगैड्रो नंबर है 6.023 × 10²³। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमें ये बोला है कि हमें बताइए कि 2.5 मोल्स NH3 मेरे पास है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, तो अगर 1 मोल NH3 मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स है, कितने, 6.023 × 10²³, तो 2.5 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल मतलब कितने होंगे, क्वेश्चन मार्क, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 2.5 × 6.023 × 10²³ डिवाइडेड बाय व्हाट, कुछ नहीं, 1, क्योंकि 1 मोल से कंपेयर किया था,
तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। बोलो समझ में आया? अब एक काम करो, मुझे बताओ कि 2 मोल H2SO4 मतलब कितना, 2 मोल H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बताओ। 2 मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? बोलो। देखो डायरेक्टली कर लिया करो, कभी कभी डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? ऐसा कुछ रहा अगर इतने मोल है तो कितने मॉलिक्यूल है, तो तुरंत 2.5 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है? तुरंत, राइट? क्या आएगा? तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो क्या हो गया, 2 into Na मतलब 2 into 6.023 into 10 to the power 23, क्योंकि इतना तो एक में होता है, दो में पूछा है, बस। इट इज 12 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। बोलो बात समझ में आई? यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखे, रेडी? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फिर। चलो, कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। चलो फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम का मास आपको मुझे बताना है कितना होगा। करो फटाफट कैलकुलेट, ब्रह्मास्त्र को याद करो, ब्रह्मास्त्र को बुलाओ। देखो मास पूछा है ना, मास पूछा है और क्या दिया है, बस वो दो टर्म्स को आप लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। वो नहीं, डॉली गलत कर रहे हो, मैं बताऊंगा, रुको मैं बताता हूं आपको किस तरीके से करना है, ठीक है? चलो देखो क्या करना है, कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। देखो इन्होंने ग्राम्स में पूछा है, राइट? तो ब्रह्मास्त्र के हिसाब से हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, ये काय में होता है, ग्राम्स में होता है, ठीक है? ओके। इज इक्वल्स टू Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, ओके। उसके बाद में इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स, ठीक है? अब हमें इन्होंने ग्राम्स में पूछा है, मतलब एक तो ये टर्म हमारी काम की है, और साथ ही में हमें जो पता है वो, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू गिवन है ना, तो क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ओके। अब हम इन दो चीज को कंपेयर करेंगे, ठीक है? कंपेयर करेंगे और साथ ही में इन्हें भी थोड़ा सा अंदर लाएंगे काम में, ठीक है? चलो अब वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है, मास, राइट? तो मुझे बताओ कि 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर मैं कहूं, तो अगर एवोगैड्रो नंबर में मुझे ऐसे कहना है तो क्या कहूंगा, मतलब ही 6.023 into 10 to the power 23 इतने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। बोलो क्लियर है? यस। अब इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन एटम, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। बोलो क्या करेंगे अपन, टोटल, ठीक है? तो क्या कितना होगा वो, 16 ग्राम्स, ठीक है? इज इक्वल्स टू 16 ग्राम्स, राइट? क्योंकि ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, ये है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है? ओके वेरी नाइस। तो अब हमें दो चीजें मिल गई, क्या, एक तो मॉलिक्यूलर मास, और साथ ही में हमें यहां पर टोटल उसका मास क्या है एवोगैड्रो नंबर से, और वो तो हमें पता चल गया है कि 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम, है ना? हमें क्या पूछा है, हमें एक एटम का पूछा है। अगर मैं कहूं कि एक एटम
ऑक्सीजन का कितना होगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर बताओ क्या आ रहा। यस, क्या आएगा आंसर? आंसर विल बी, इट इज अबाउट 2.65, है ना, 2.65 × 10²-23 ग्राम्स। देखो अब शॉर्टकट बता रहा हूं इसका, क्या करना है शॉर्टकट में, देखो ग्राम एटॉमिक मास आपको पता करना है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है एनए से, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर, आंसर मिल जाएगा। इतना सारा सोचो समझो और करो, इससे अच्छा सीधा सीधा ग्राम एटॉमिक मास देखना है और डिवाइड बाय एनए कर देना, बात खत्म। क्लियर है? बोलो समझ में आ गया है? ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल ठीक है, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, ये आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक yes, वेरी गुड। कई बच्चे इसमें भी सोचने लगे, ओहो ये क्या दिया है, अच्छा तो मैं इसको 6.023 से करता हूँ कंपेयर, फिर देखता हूँ क्या होता है। नहीं, हेलो हफ्सा, हेलो, वेलकम हफ्सा, वेलकम बच्चे, वेलकम वेलकम वेलकम। चल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एच सी एल आर प्रेजेंट इन 18.25 ग्राम्स ऑफ एच सी एल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एच सी एल आर प्रेजेंट इन 18.25 ग्राम्स ऑफ एच सी एल। यस हफ्सा, हेलो हेलो हेलो, चलो बताओ हाउ मेनी मोल्स ऑफ एच सी एल आर प्रेजेंट इन 18.25 ग्राम्स ऑफ एच सी एल। हफ्सा पूछ रही है मेरा नाम क्या है, बच्चे देखो आपको दिख नहीं रहा है टाइटल में, टाइटल में मेरे स्टाइल से बताओ क्या, माय नेम इज युवराज सिंह एंड आई एम नॉट अ क्रिएटर, ठीक है, ये है हमारा नाम, जी हाँ, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेसिकली सबसे पहले आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसका देखना है, पता कर लेना है, ठीक है, तो एच सी एल का क्या होगा, एच सी एल का इट विल बी 36.5, मतलब हाइड्रोजन का 1 + 35.5 ऑफ क्लोरीन, तो ये हो गया 36.5 ग्राम्स। क्लियर है? ओके वेरी नाइस। इन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बोलो। यस, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट क्या है, इन्होंने कितना कहा है 18.25 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मतलब कितना है 36.5, जस्ट हमने देखा यह है मॉलिक्यूलर मास, राइट, बस कितना हो गया 1/2, दैट इज वाज सो इजी, ठीक है, और ये जब हम लोग नहीं पढ़ते हैं तब हमें ये भी नहीं आता, ट्रस्ट मी, जब हम लोग नहीं पढ़ते हैं रिवाइज नहीं करते हैं तो ये भी नहीं आता, कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा पढ़ाई करने से भी होता है ना, ज्यादा पढ़ाई करने से भी होता। चलो कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, एक्चुअल मास क्या होता है वाटर के एक मॉलिक्यूल का ग्राम्स में, बोलिए। कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम्स क्या होगा, कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम्स क्या होगा। देखो हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू एन ए, 1 मोल ऑफ, अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स का मतलब होगा एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, H2O के मॉलिक्यूल्स,
और ब्रह्मास्त्र में लिखा है इज इक्वल्स टू मोलर मास। मोलर मास क्या H2O का 18 ग्राम्स। तो मैं इससे ये कंक्लूजन पे आ सकता हूं कि 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स का मास होता है 18 ग्राम्स। राइट, इन्होंने क्या कहा है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें एस नहीं दिया है, मतलब एक का पूछ रहा है, तो मतलब एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट द आंसर एज 2.99 इंटू 10^-23 ग्राम्स। क्लियर है? यस, वेरी गुड निशा, वेरी गुड निशा। देखो बेसिक कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर आपको, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो अपन ने ऑलरेडी टेस्ट में की है, ठीक है, और भी करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो आगे बढ़े। बोलो, देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको, एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे पास में 1 मोल ऑफ H2SO4 है, क्या है, 1 मोल ऑफ H2SO4 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 2 मोल, 2 मोल एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। क्यों? क्योंकि देखो H2SO4 में क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन है, राइट, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, राइट। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास 2 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, मोल एटम, राइट, ये याद रखना है, मोल एटम, 1 मोल H2SO4 में 2 मोल एटम हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एटम है ना, राइट। ओके, अब सल्फर कितना है, मेरे पास 1 मोल एटम सल्फर होता है, ठीक है, और 4 मोल एटम ऑक्सीजन है, ठीक है, ये चीज याद रखना। बोलो, क्लियर है? राइट, सिमिलरली इसका मतलब ये भी होता है कि मेरे पास में 2 मोल, 2 मोल ऑफ H+ आयन्स हैं। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो H2SO4 को जब हम लोग डिसोसिएट करते हैं, H2SO4 को जब हम लोग डिसोसिएट करते हैं, तो ये डिसोसिएट होता है इंटू H+ एंड SO4 2-, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल H2SO4 में 2 मोल ऑफ H+ आयन्स हैं। अब मोल एटम नहीं, एटम थोड़ी ना, आयन है, ठीक है, 2 मोल ऑफ H+ आयन्स हैं और 1 मोल ऑफ SO4 2- आयन है। बोलो क्या बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई, बोलो, ठीक है, यस। अब इस पे क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, मैं यहां पर आपको बताऊंगा वो का आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बताइए, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टोटल बताना है आपको कितने होंगे। यस प्रभुदा, जो मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा है, बोलो, क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब अभी जो हमने समझा कि 1 मोल O2 में हमें पता है कि 2 मोल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, राइट। अब मोल का मतलब क्या, 6.023 इंटू 10^23, राइट, और ये 2 को नीचे उतार दो, 2 इंटू ये कर दो, आपके पास आ जाएगा आंसर, दैट इज 1.2 इंटू 10^24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बोल, बात समझ में आ गई, यस, क्लियर है सभी को,
100%। वेरी गुड। मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एक मोल ऑफ एसेट मॉलिक्यूल। चलो बताओ, एक मोल ऑफ एसेट मॉलिक्यूल 1.2 भी होगा, लेकिन 1.2 × 10^24 होगा। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12 × 10^23। यस, बताओ, 1 मोल ऑफ एसेट मॉलिक्यूल। वेरी गुड। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक मोल ऑफ एसेट मॉलिक्यूल में, एक मोल ऑफ एस एट मॉलिक्यूल में कितना होता है? 8 मोल एटम्स ऑफ सल्फर है, ठीक है। मतलब ही 8 × 6.023 × 10^23। क्लियर है? इसका आंसर जो भी आएगा, दैट इज 4.8 × 10^23। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 48, या फिर 0.48 × 10^24, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? बोलो भाई। अब मुझे बताओ कि 0.5 ग्राम ऑफ HCl में कितना मोल एटम प्रेजेंट है? 0.5 ग्राम्स ऑफ HCl में कितना मोल एटम प्रेजेंट है? मोल एटम बताना है। नहीं, मोल एटम नहीं, कितना एटम्स प्रेजेंट है। मोल एटम नहीं, कितना एटम्स प्रेजेंट है ये बताओ 0.5 ग्राम्स ऑफ HCl में कितना होगा? बोलिए। यस, देखो, हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? ओके, तो 1 मोल मतलब कि 6.023 × 10^23, राइट, इज इक्वल्स टू उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 1 मोल HCl का, 1 मोल HCl का इट इज 36.5 ग्राम्स, राइट। और इसमें कितने एटम्स हैं? 1 मोल एटम किसका है? हाइड्रोजन का। और 1 मोल एटम किसका है? क्लोरीन का, ठीक है। टोटल करो तो टोटल आ जाते हैं 2 मोल एटम, ठीक है, 2 मोल एटम। मतलब कि 36.5 ग्राम में 2 मोल एटम आते हैं, और इन्होंने क्या पूछा है? 0.5 ग्राम में। तो 0.5 ग्राम में कितना? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, राइट। बोलो, समझ में आ गया? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाता है 16 × 10^23 एटम। क्लियर है? बोल भी दो। अरे बोल भी दो। श्रेया जबरदस्त टैलेंटेड है। ओके, चलो बोलो, मोल के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? मोल के बारे में आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस, इट इज 0.6। यस, ठीक है, कैलकुलेट करो, सही आ रहा है ना? बताओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एग्जैक्ट आंसर 0.6 है ना? 0.16, ठीक है। तो आई होप आपको सारा का सारा जो भी मैंने आपको बताया समझ में आया होगा, राइट? यस और नो, समझ में आए? ठीक है, तो जाते जाते मैं आप सभी को बता देता हूँ बच्चे कि जो बम्पर ऑफर है इसे मिस मत करो, राइट। रहमान, तुम कह रहे थे तुम अपने पेरेंट्स से बात करने वाले हो, क्या कहे, क्या बोले पापा?
ठीक है, ये बंपर ऑफर को मिस मत करो, अभी भी टाइम है, फटाफट ले लो। ठीक है, 3+1 का ऑफर चल रहा है, एकदम बढ़िया ऑफर है, यानी इससे बेहतर ऑफर आपको नहीं मिलेगा पूरे साल में। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बढ़िया से वहां पर टेस्ट सीरीज दो, जो प्रीवियस है 20 ईयर्स के जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं ये अटेंड करो, राइट। उसके बाद में रिविजन जो चल रहा है क्लास ये अटेंड करो, फिर अलग अलग टेस्ट दो, है ना। तो यार आप लोगों ने कॉइन्स भी कमाए होंगे, राइट, क्विज करके। तो वो जो क्विज करके जो आपने कॉइन्स आपने इकट्ठा किए हैं सारे के सारे, उसे यूज करो। साथ ही में आप अगर ये कोड डाल देते हो मेरा, दैट इज युवराज 96, ये कोड अभी डाल देते हो अगर आप, तो आपको और 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉइन्स यूज करो, 10% ऑफ, साथ ही में 1 महीना फ्री मिल रहा है। तो यार तीन चार चीजें सिर्फ ये अलग चीज है जो फायदे की है। इसके बाद में पढ़ाई का फायदा देखो, 20 ईयर्स, राइट, 20 ईयर्स, ये तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। लास्ट 20 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये आपके वहां पे प्रैक्टिस होने वाले। जस्ट इमेजिन, 2000 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए सारे के सारे नीट में या फिर जो पीएमटी में थे, ठीक है, पहले नीट नहीं होती थी, पहले एआईपीएमटी होती थी, ठीक है, तो उसमें एम्स में सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करवा के मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि यार लेना ही है, ठीक है, ट्रस्ट मी, लो, जरूर फायदा होगा इस चीज का, जरूर फायदा होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से जितना फायदा होता है उतना फायदा कैसे भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे फायदे जो है ये आप भरपूर फायदे हैं, ये उठाओ। ठीक है, 3 मंथ्स का पैकेज है वो लेना है, प्लस वन मिलेगा, मतलब 1 अगस्त को जो आपके एग्जाम है, राइट, तब तक चलने वाला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो अगर पेरेंट्स आपके मान जाते हैं, थोड़ा बोलो उनको, क्यों, फोन होता है, साइकिल होती है, तो बचपन में कैसे जिद करते थे, थोड़ा पढ़ाई के लिए भी जिद कर लिया करो। ठीक है, तो जिद करो, पापा मम्मी को बताओ कि यार इतना बढ़िया चीज है और इतना सारा कुछ वहां पे होने वाला है, तो मुझे तो लेना है ना, 4 महीने मेरे पास है, प्लीज मुझे अपना पढ़ाई करने दो एकदम बढ़िया से, है ना। तो पापा मम्मी को कन्विंस करो, उन्हें बताओ कि इस तरीके से फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 3 मंथ का आपको मिलने वाला है, जो आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उसमें प्लस वन होने वाला है। ठीक है, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। फिर लेकिन उसमें सब सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, इतना ध्यान रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, चारों के चारों, क्लियर है। अब खत्म करते हैं सेशन को, जाते जाते मैं आप सभी को बताता हूँ कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना सच में चाहते हो, ये जो आपको बढ़िया सा ऑफर मिल रहा है, तो फटाफट जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, निशा, यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स एज वेल, एक बार बात कर लो। ठीक है, राइट, तो फटाफट से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उसके बाद में नीट यूजी सेलेक्ट करो, प्लस पर सेलेक्ट करो। ठीक है, और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन का ये बटन दबा देते हो, अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ये क्या, ये यहाँ पे 6 मंथ लिखा है, लेकिन 3 मंथ्स का भी होगा पैकेज। ठीक है, वहां पर जब आप जाओगे लेने के लिए तो 3 मंथ्स का भी पैकेज है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको मेरा कोड लगाना है वहां पे, युवराज 96, तो आपको 10% और भी कम हो जाएगा पैसा। ठीक है, और यस दैट्स इट, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना। हेलो प्रसन्न, यू आर वेरी वेरी लेट, हम लोग तो जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है, और ये जो ऑफर है अभी बच्चे, आप इसका भरपूर फायदा लोगे। ठीक है, आज या कल, ठीक है, आज या कल, आज ही मैं तो कहूंगा, कल का इंतजार मत करो। ठीक है, कल किसने देखा है, तो फटाफट से जाकर सब्सक्रिप्शन आज ही ले लो, और कोड लगाना मत भूलना, कौन सा, यस युवराज 96 का कोड जरूर लगाना। ठीक है, चल फिर मिलते हैं हम लोग अब कितने बजे, यस जी हाँ क्लास हो गई, लेकिन टेंशन मत लो, 6 बजे फिर से क्लास होने वाली है। NCERT डिकोडर सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 6 बजे लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल पर होने वाला है, और ये रोज होगा। ठीक है, उड़ान बैच रही या ना रही, ये 6 बजे वाला जो NCERT डिकोडर सेशन है ये रोज होने वाला है विदाउट फेल। ठीक है, चलो तो फिर खत्म करते हैं सेशन को, लेता हूं आपसे अलविदा, मिलते हैं 6 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।